उसको मौत कहते। आज के बाद तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। ये कमरा तुम्हारे लिए कब्र थी तो मैं चाहती थी। अभी ढूंढो उसको, जिधर भी है। दुश्मन को जितना वक्त देगा। अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन, कैसे हैं आप सब। तो कई ड्रामे में जमदा जो के अपना बदला लेने जा रही है, अब वो अपाना के पास आई है। तो अपाना उसे कहती है, चची प्लीज़ कुछ करें, ये ना मारें बल लाश को। तो जमदा कहती है कि कोई कुछ नहीं कर सकता जो तुम कर सकती हो। तो राव बाबा खुद ही अपाना को बुला लेता है। जब उसका बाप उसे ले के आता है तो कहता है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। तो वो कहती है, नहीं मुझे नहीं पता बाबा। तो कहता, बच्चा तुम हमारे घर का इज्जत है, हम अपने घर का इज्जत के लिए जान दे भी सकता है और ले भी सकता है। तो राव बाबा चन्नार खान से कहता है कि बेहतर होगा वो अपने भाई के हाथ में अपनी ज़िंदगी का खूबसूरत हाथ दे दो, ना ये काम भी हम ही करेगा क्योंकि इंसाफ तो होगा। जैसे ही चन्नार खान अपने भाई को बल्लाश का हाथ पकड़ाने लगता है तो गुलबरी उसे बाजू से पकड़ लेती है और बहुत रोती है, वो छोड़ती नहीं है। तो बल्लाश कहता है, तुम मेरी अम्मा है तो तुम बहादुर बने। चन्नार खान गुलबरी को बहुत ज़ोर से धक्का देता है। उस वक़्त वहाँ बहुत अफसुदा माहौल हो चुका होता है। वही हुआ जो मैंने आपसे कहा था, पाशा खान ने बल्लाश पर गोली नहीं चलाई बल्कि उसने आसमान की तरफ गोली चला दी। तो फिर पामीर की माँ दौड़ कर आती है, वो पाशा खान से गन पकड़ लेती है। तो वह कहती है, नहीं पाशा खान नहीं। तो जैसे ही खुद फायर करने लगती है, गन में कोई बुलेट होती नहीं है। ये तो नाज़रीन प्रोमो में चन्नार खान जमदा से कहता है, जब तुम आँखें बंद करता है तो ऐसे लगता है पूरी दुनिया इसमें बंद हो चुकी है, वक्त रुक गया है। जमदा जवाब में कहती है, वक्त को रुकना नहीं चाहिए, इसको मौत कहते हैं। उसी तरह अपाना का बाप उसे कमरे में ला के बंद कर देता है, कहता है आज के बाद तुम इसी कमरे में रहोगी, तुम मर चुकी हो। बरेरा जमदा से कहती है, जो हुआ अच्छा हुआ। चन्नार खान को जानता है उसने माफ़ी का लफ्ज़ नहीं सीखा, वरना आज यहाँ से दो लाशें उठती। जवाब में कहती है, यही तो मैं चाहती थी। खान ने बल्लाश को तब तो बख्श दिया था लेकिन अब फिर उसे वो मार देगा। राव बाबा चन्नार खान से कहता है, दुश्मन को ढूंढो, जिधर भी है वो। दुश्मन को जितना वक्त देगा दुश्मन उतना ही मजबूत होगा। दुश्मन चन्नार खान के पीछे खड़ा है। तो नाजरीन अब एक नहीं दो दो लाशें उठेंगी, चन्नार खान की भी मौत आ चुकी है, वो मर जाएगा। अरे नाजरीन कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि ऐसा ही होगा। अरे नाजरीन मुझे साथ साथ फॉलो भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया। फी मानिल्ला।